नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। आज बहस करेंगे संवेदनशीलता पर, बहस करेंगे मरती हुई इंसानियत पर, मानवता पर। तरक्की रफ्तार भागम भाग में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। चांद पर पहुंच गए, हजारों लोगों ने एवरेस्ट फतह कर लिया। तरक्की की कोई मिसाल ऐसी नहीं जो इंसानों के नाम दर्ज ना हो, लेकिन इसी तरक्की के बीच में कुछ ऐसी भी तस्वीरें, ऐसी मानसिकता पनप रही है जो सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा। कहीं बाप बेटी का रेप करता है, कहीं घर वाले अपने ही बच्चों को पीट रहे। उन्नाव, कठुआ, अलवर रेप जैसे जो घटनाएं सामने आई थी, देश को जगा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद हालात के जस के तस दिखाई दे रहे। अब सवाल कि आधुनिकता के दौर में क्या वाकई में खत्म हो रहे हैं रिश्ते, आज इसी पर बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट, रिपोर्ट के बाद मेहमान को। सपना होती है बेटी, बेटी माँ भी होती है, बेटी पत्नी भी होती है। और जब उसी बेटी के साथ बलात्कार होता है, समाज हिल जाता है, देश हिल जाता है। तरक्की की इस दौड़ में जमाने से आगे निकलने की होड़ में क्या हमारा समाज, क्या हमारी संस्कृति, क्या हमारी मानसिकता, क्या हमारा रिवाज सब गर्त में जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कहीं एक बाप अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, तो कहीं एक बाप अपनी बेटियों के लिए जान का प्यासा बन रहा है, तो कहीं मुंहबोली बहन धोखे का शिकार बन रही है, तो कहीं एक दादा अपने पोतों के लिए पापी बना जा रहा है। रूह कपा देने वाली ये कहानी आज के बदलते और बिगड़ते समाज का हिस्सा बन रही है। सबसे पहले पाली से आई इस कहानी को देखिए। पाली में एक बाप सिर्फ 10 रुपयों के लिए अपनी 2 बेटियों को बेरहमी से पीटता है, दोनों को रस्सियों से बांधकर उसे चिलचिलाती धूप में छोड़ देता है। क्या एक पिता अपनी औलाद के लिए इतना बेरहम हो सकता है? क्या ऐसे पिता को पिता होने का हक है? जल्लाद पिता की इस कहानी पर आप अपना गुस्सा जाहिर करें, उससे पहले श्री गंगानगर में एक वकील बाप कैसे वैसी बन गया, इसकी बानगी भी देख लीजिए। इस पिता पर अपनी ही बेटी से बलात्कार का इल्जाम लगता है, और यह इल्जाम कोई गैर नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी लगाती है। हैरानी तो इस बात की है कि आरोपी वकील के समर्थन में बार काउंसिल के वकीलों की फौज खड़ी हो गई। अब पीड़ित बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा, कौन दिलाएगा? ये सवाल अभी जस का तस बना हुआ है। अब जरा अजमेर से आई इस कहानी को भी देखिए। विश्वास को विष देने वाली अजमेर की जघन्य वारदात में एक शख्स ने अपनी मुंहबोली बहन के साथ ही पाप कर डाला। आरोपी ने अपनी मुंहबोली बहन के साथ ना सिर्फ खुद बल्कि अपने एक दोस्त को भी गैंगरेप का भागीदार बना लिया। बाप के लिए बेटियां, भाई के लिए बहन, अब बहन नहीं बदनीयत का सामना हो चुकी है। थोड़ा रुकिए और डूंगरपुर से आई एक और तस्वीर को देख ही लीजिए, जहां एक दादा अपने 2 पोतों को घर से बाहर निकाल देता है। अब तक यही सुना था कि दादा और पोते का रिश्ता तो प्यार का रिश्ता होता है, लेकिन यहां वो रिश्ता भी तार तार हो चुका है। बहुत हैरानी होती है पाप के इस भंवर में रिश्तों को डूबते देखते हुए, क्योंकि रिश्ते विश्वास का नाम होता है, रिश्ते पहचान का नाम होता है, रिश्तों से समाज बनता है। लेकिन जब रिश्तों को ही कुछ लोग पाप की कुल्हाड़ी से काटने लगे, तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर रिश्तों का यह हस्त क्यों होने लगा है? क्या आधुनिकता की चकाचौंध में हम रिश्तों की मर्यादा खत्म करने पर आमादा हो चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचिए आज के दौर में जब आप टीवी स्टूडियोज की आप डिबेट देखते हैं, सोचते हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों का जिक्र होता है, बड़े बड़े शहरों का जिक्र होता है, हाईटेक सिटी, ऐसी बातों का जिक्र होता है, समझना होता है कि वाकई में 21वीं सदी के दौर में है जहां पर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन जरा एक पन्ना उलट कर देखिए, ये तस्वीर इसी समाज की है, हमारे आपके बीच की, इन्हीं गाँव इन्हीं शहरों के बीच की है। जब बारीकी से देखेंगे तो समझ में आता है कि हम कहीं नहीं बने, वहीं रह गए।
चकाचौंध और झूठी शान के चक्कर में सिर्फ वाहवाही करते हैं, लेकिन सब कुछ धरा का धरा अभी भी वही पर है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी मेहमान हैं, एक एक करके परिचय करवाते हैं, सवाल लेंगे, उसके बाद सवालों का सिलसिला बढ़ाते हुए समझेंगे वाकई में समाज जा कहां रहा है। महेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर अनीता गौतम जी हैं इस वक्त मनोचिकित्सक हैं, और विजय गोयल साहब हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय गोयल साहब, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, वाकई में समझ में नहीं आता, कहा जाता है अच्छी शिक्षा दीजिए, लोग घरों से निकल रहे, हाईटेक हो रहे, डिजिटल हो रहे, सबके हाथ में मोबाइल आ चुका है, पढ़ते हैं लिखते हैं, हर बात में डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन समाज के दूसरे जब पन्ने को पलट कर देखते हैं तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। 10 रुपए के लिए किसी को, अपने बच्ची को घर से बाहर फेंक दिया जाता है, प्रॉपर्टी के लिए भाई की हत्या कर दी जाती है, अपने बेटी के साथ रेप होता है, अलवर की घटना आपने देखा, गैंगरेप जैसी घटना जो समझ में आता नहीं कि इंसान है या फिर जानवर है। समाज जा कह रहा, क्या वाकई में रिश्ते खत्म हो रहे क्या? देखिए, जब से विकास की नई अवधारणा आई है, हमने विकास बहुत किया 1990 के बाद से, बात देखे तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें की, हमने डिमोरलाइज, हमने ओपन मार्केट की बात करी, सब कुछ किया, विकास किया। उस विकास के दौर में जो एक सबसे बड़ा विकास जो होना था सोशल डेवलपमेंट, वो हम में लगातार पिछड़ते गए, वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण समाज में परिवार का बिखराव चालू हुआ, परिवार का बिखराव चालू हुआ, महंगाई और ने एक दूसरे उसके कमर को तोड़ने का काम चालू किया, रिश्ते तोड़ने का काम चालू किया। हम एक तरफ विकास कर रहे हैं, हम वर्टिकल विकास कर लिया, हमने हॉरिजॉन्टल विकास कर लिया, हमने मॉरल विकास को छोड़ दिया, हमने मॉरल एजुकेशन को छोड़ दिया, हमने मॉरल वैल्यूज को छोड़ दिया, और ये सारी चीजें हैं जो इन तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। आपने पहली घटना का जिक्र कर ले, जहां एक पिता ने अपनी दो बेटियों के साथ बेरहमी से जिस तरीके से हिंसा की, 10 रुपए के लिए सोच, उसका यदि मॉरल रूप सिद्ध हो तो आप देख लीजिए, 10 रुपए की, 10 रुपए तो बहुत बड़ी चीज है आज की तारीख में, 1-1 रुपए के लिए, 1-1 रुपए के लिए आदमी की हत्या की जा रही है और हत्या हो जाती है। उस 10 रुपए की वैल्यू उस पिता के लिए जो दिन भर मजदूरी करता है और शाम को आकर के घर में लेकर के आता है कमा करके 50 रुपए या 100 रुपए 150 रुपए, वो 10 रुपए कितने महत्वपूर्ण होंगे उसके लिए कि उसने इतना बड़ा स्टेप अपने बच्चों के साथ लिया। नहीं, बात बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन सवाल यह है कि 10 रुपए मजबूरी कहीं ना कहीं उसके साथ हो, उन्हीं बच्चों के लिए कमा रहा ना, यही तो समझना है कि वो रिश्ते क्या पैसों से ज्यादा हो, पैसे ज्यादा अहम हो गए क्या रिश्तों के ऊपर? 10 रुपए अगर बच्चियों ने ले लिया तो उसमें क्या दिक्कत है, उन्हीं बच्चों के लिए, लेकिन उनको इस तरीके से पीटना, जानवरों की तरह बाहर रख देना, धूप में तड़पने के लिए छोड़ देना, ये तो समाज का वो एक तरह से कहा जाए कि स्वरूप देखने को मिल रहा है जो वाकई में हिला देता है। नहीं नहीं, देखिए देखिए मेरी बात, इसको आप दूसरे रूप में देखिए, ये तो वो कहानी है जो आपके सामने आ गई, ऐसी हजारों कहानियां हैं जो रोजाना घर में बच्चे के साथ हो रही हैं, क्योंकि आज की तारीख में जिस फ्रस्ट्रेशन में परिवार जी रहे हैं, जिस महंगाई में, जिस काम के बोझ में, जिस विकास के बोझ में, जहां पर आपको बहुत पिछड़ रहे हैं, विकास का क्या मतलब, जहां रिश्तों की अहमियत ना हो ऐसे विकास का क्या मतलब? अनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप तो मनोचिकित्सक हैं, ये सोचना पड़ेगा समाज को, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, समाज को आऊंगा सर, लोगों के दिमाग को पढ़ती हैं आप, हर रोज तमाम ऐसे मुद्दे केसेस आते होंगे आपके पास, समझती हैं सुलझाती हैं, ये जो स्वरूप देखा जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही, जो खबरें सामने आ रही, क्या इनको सुधारा जा सकता है? ये कैसी मानसिकता के लोग हैं जो पैसों को, अपने लालच को, स्वार्थ को सबसे ऊपर रखते हैं, चाहे वो खून का रिश्ता हो, लेकिन उसके उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं जो वाकई में पूरे समाज को हिलाता है। देखिए, अगर अभी हम बात करें तो जैसे कि बात हो रही है, आज के सामाजिक मूल्य मनुष्य में बहुत कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण हम सब ढूंढने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि कारण क्या है, क्यों हम अपने सामाजिक मूल्य, अपने मॉरल वैल्यूज खोते जा रहे हैं। पहले जब बात होती थी, लोग एक गाँव को अपना मानते थे, किसी भी गाँव में किसी की भी प्रॉब्लम होती थी, आसपास के समाज में कोई प्रॉब्लम होती थी, उसको अपना मान के उसको सुलझाने की बात करते थे। गाँव से धीरे धीरे घटकर घर तक आ गया कि मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं
उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसको सुलझाऊंगा। परिवार से घटकर हस्बैंड वाइफ हम दोनों में कोई प्रॉब्लम होती है मैं उसको सुलझाऊंगा, वही हमसे हटकर आज अहम पे आ गया है, मैं पे आ गया है। हस्बैंड वाइफ में भी उतनी है ना कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, कम्युनिकेशन नहीं रहता कि एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करे। ये चीज जब हमसे मैं पे आती है, जब स्वार्थ ज्यादा बढ़ जाता है, जब पैसा, उसी वक्त ये मॉरल वैल्यूज खत्म होते जा रहे। कारण एक है कि आजकल मीडिया या यूं बोले कि फेसबुक है या फिर गेम्स है जो चीज लोगों के मॉरल वैल्यूज को खत्म करते जा रहे हैं। लोग अपना ज्यादातर समय ये टीवी के सामने, नेट के सामने, इंटरनेट के सामने व्यतीत कर रहे हैं। कहां वो अपने परिवार के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, कहां वो अपने परिवार में अपने बच्चों के बारे में जान पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहां उनका विकास हो रहा है, कहां उनकी सोच बदल रही है। वो अपनी बात उनको शेयर नहीं कर पा रहे, उनके अंदर वो मॉरल वैल्यूज नहीं डाल पा रहे। दूसरा मेन कारण है नशा। नशा आजकल हमारे समाज में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नशे एक बहुत बड़ा कारण है जिसके अंदर लोग अपनी सोचने समझने की क्षमता को खो देते हैं, और कई बार कई जो आपराधिक मामले होते हैं वो नशे की लत के अंदर वजह से होते हैं या नशे के कारण होते हैं। और इसी तरीके से जब लोगों के अंदर कम्युनिकेशन, परिवार के अंदर घट जाएगा। अनिता जी, पाली की खबर है, 10 रुपए के लिए दो बेटियों को हमने रिपोर्ट में दिखाई, घर से बाहर फेंक दिया, उन्होंने बांध कर जिस तरीके से पीटा। डूंगरपुर की खबर है, दादा ने अपने दो पोतों, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनको भेज दिया बाहर घर से कर दिया, 3 दिन तक बेचारे रेलवे स्टेशन पड़े हुए थे। ये कौन सा शराब और कौन सा नशा किसकी, ये तो मानसिक विकृति है। श्री गंगानगर की खबर है, वकील वहां पर अपने 2.5 साल के बेटे के साथ रेप करता है। प्रतापगढ़ की खबर है, जमीन के लिए दो भाई आपस में खून के रिश्ते को खत्म कर देते हैं। अजमेर की खबर है, जहां पर एक मुंहबोली बहन के साथ गैंगरेप किया जाता। ये तो ऐसे लोग हैं जो इंसान नहीं दरिंदे कहे जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आज हम है ना इंसानियत को, इंसान इंसानियत छोड़ रहा है, दरिंद्रगी को अपना रहा है। हाँ। जैसे कि आपने कहा ना, एक 10 रुपए के लिए अपने दोनों बच्चों को, दोनों पोतों को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने 10 रुपए ने अपना खुद का गुस्सा उसको जाहिर करा है, खुद के अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, खुद का गुस्सा उसके बच्चों के ऊपर निकाल दिया। उनको ये भी नहीं लगा कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। और वही इस बात को भी सोचने वाली बात है, बाकी परिवार के सदस्य ने इस चीज का अपोज क्यों नहीं करा, क्यों नहीं उनको रोक दिया कि नहीं आप जो कर रहे हो वो गलत है। उनको इस सवाल ये कि परिवार में जब इतनी सोचने की क्षमता बची हो तभी तो ये करेगा। परिवार में आपस में लोग एक दूसरे के दुश्मन हो रहे, पहले दो भाई होते थे उनका परिवार लड़ता था, समझ में आता था, लेकिन अब तो बाप बेटी के साथ लड़ रहा, बेटी के साथ रेप कर रहा, अपने बेटे को भगा दे रहा, बेटा बाप को मार रहा, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि समाज जा किधर रहा। प्रकृति की बात है कि जिसके अंदर, ठीक है ठीक है, एक बार फिर से आएंगे। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक पिछले साल का रिकॉर्ड डाटा मेरे पास है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, इसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हुए हैं उसमें रिपोर्ट सामने आई। 1172 पीड़िताओं से संपर्क किया था टीम ने, लेकिन जिसमें से 25 ऐसे मामले थे जिनमें पिता या फिर एकदम खून का रिश्ता था जिसने रेप किया था या अश्लील हरकत की थी या ऐसी घटना को अंजाम दिया था, और 549 पड़ोसी निकले थे जो जानकार थे, 98 नजदीकी और दूर के रिश्तेदार थे। अब समझिए, महिलाओं के साथ जो आज हम खबर दिखा रहे हैं कि वकील अपनी बेटी के साथ रेप किया है, ये क्या पढ़े लिखे लोग इस तरीके से भटक रहे, और जो जानकार होते हैं उन लड़कियों का शोषण करते हैं, उनका भरोसा तोड़ते हैं, बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करता है, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार की बेटी और दूसरे औरतों के साथ इस तरीके से हरकत करते हैं, क्या वाकई में पढ़ने लिखने के बाद भी समाज को जागरूक करने के लिए कुछ और कदम उठाना पड़ेगा? कानून से नहीं डरने वाले मुझे लगता है ये लोग, कितनों कठोर कानून कर बना लो आप, फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, ये जो मैं इस बात पर डॉक्टर जो अनीता ने जो कहा है उस बात को समर्थन किया कि आज समाज के अंदर एक तो भौतिकवादी जो चिंतन बन गया है कि जो भी चीजें चमक दमक की है या मतलब अय्याशी के लिए है, एक तो ये चीज है। दूसरा, हमारे नैतिकता में पतन आया है, उसका कारण ये है कि बच्चे का जो विकास होता है और वो शाला से शुरुआत होती है और वहां नैतिक शिक्षा पे जोड़ दिया जाता था किसी समय में, संस्कृत विषय जो ऐसा था जो अनिवार्य था, हर व्यक्ति को पहले पढ़ना पड़ता था, उसमें नीति श्लोक आते थे और उसमें ज्ञानवर्धन जो आदमी को आदमी बनाते थे, इंसान बनाते थे, इंसानियत सिखाते थे, उनको आजकल ये अनिवार्य क्या मतलब उनको हटा दिया गया है, उनकी पढ़ाई नहीं होती है। हाँ। और वो संस्कृत भाषा का मतलब एक तरह से ये कहें कि उसे छोड़ दिया जाता है। आज सिर्फ ये हो गया है कि वैल्यू ये है कि प्रोफेशनल कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाई कैसे की जाती है। एक दूसरा है
मैं अपने डॉक्टर अरिता जी मैं इस बात को जानती होंगी कि एक मानसिक रोग भी पैदा होने लग गया है ये आजकल तनाव की वजह से मानसिक ये जो दुष्कर्म की जो प्रवृत्ति होती है जो हमारे हर आदमी में एक आदमी नियंत्रित करता है एक जो नियंत्रित नहीं कर पाता है एक जो जिससे नशाखोरी से ज्यादा बढ़ावा हो जाता है उन चीजों की वजह से ये अपराध बढ़ते हैं। और दूसरा क्या है कि जो हमारे संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने की थी एक दूसरे के रिश्तों का महत्व समझने की बात थी वो बिल्कुल नहीं रही है। आज हम आदमी स्वयं आप में स्वयं व्यक्ति अपने में सीमित हो गया है और स्वार्थ में हो गया है। उसे ये मालूम है आज की तारीख में आप ये देखिए लड़के और लड़की में भी भेद कर देता आदमी। लड़के को पूरी मतलब एजुकेशन देने की कोशिश करता है अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने सर, की। ये तो बहुत पहले से होता है, लेकिन अभी भी लड़की के लिए पढ़ाने के लिए वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अभी भी रेप जैसी वारदातें नहीं रुक रही। मनीष पारिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के आप नुमाइंदे हैं और सरकार जब आप ठीक है सर मैं आऊंगा। सरकार जब आपकी आती है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तमाम बड़े बड़े कानून लेकर आते हैं। पिछली सरकार में आपने जो माइनर बच्चे हैं उनके लिए अगर रेप होता है तो फांसी की सजा का प्रावधान तय किया, लेकिन हालात सुधरे नहीं। गैंग रेप होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जाता है। आज की खबर तो वाकई में हिलाने वाली, एक वकील जिसके पास लोग जाते हैं अपने न्याय के लिए ताकि वो न्याय के दरवाजे पर जाकर खटखटाकर उसकी बात रखे, वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है। कैसे सुधरेगा समाज, कहां जा रहा है समाज, किसकी जिम्मेदारी बनती है? सही बात है संजय, ये निश्चित तौर पर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हम हिमायती लोग हैं, इसलिए सांस्कृतिक एस्पेक्ट्स के अगर आप मूल्यों को हम स्थापित करने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका अवमूल्यन रुकेगा मूल्यों का। और बड़ी बात ये भी है जो आइसोलेशन हो रहा है, आप चाहे इसको इंटरनेट के कारण कहें, मोबाइल के कारण कहें, या आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं परिवार को, लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बीवी है ये कहाँ जाएगी, माँ है तो यही रहेगी, इसलिए उसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। बड़ी बात यह है कि इकाई है वो भी, परिवार भी, अपना धंधा भी इकाई है, अपने दोस्त भी इकाई है, अपना ऑफिस भी इकाई है, इन सबको इकाई को प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए और प्रॉपर तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन क्या मैंने देखा है कि कॉम्प्रोमाइज सबसे पहले परिवार पर शुरू होता है और यही कारण है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको सबसे कम तवज्जो दी जाती है, उसी कारण से गड़बड़ हुई है। आपके मम्मी पापा कौन सी दवाई ले रहे हैं, आपके मम्मी पापा कौन से मंदिर जाते हैं ये पता ही नहीं है, लड़का कौन सी वीडियो देख रहा है ये पता ही नहीं है। की बात करते हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। सुधारने की बात दो बातें कही तो जन जागरण का विषय है। दूसरे देश भी ऐसे हैं जो हमसे बहुत पहले हाईटेक हो चुके हैं, लेकिन क्या वहां पर रेप की खबरें होती हैं, रेप की वारदातें इतनी होती हैं? वो तो पहले ही कैप्सूल हवेली वाले लोग हैं, वहां पे परिवार व्यवस्था बहुत पहले नष्ट हो चुकी थी संजय। हाँ। वहां पर परिवार व्यवस्था बहुत पहले नष्ट हो चुकी थी, भारत हाँ। की परिवार व्यवस्था इसकी ताकत है। हाँ। और इसीलिए आपने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम चालू किया है जिसमें परिवार विषय इंपॉर्टेंट है। और वो जो कुटुंब प्रबोधन है, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि संयुक्त परिवार जो है वो हमारी ताकत है, भारतीय संस्कृति की ताकत है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मूल अंग है। जितने कैप्सूल फैमिलीज में होंगे पड़ोसी को पता नहीं कौन मर्डर कर गया, हाई सोसाइटीज है बंबई दिल्ली में, पुलिस ने यह अभियान चलाया संजय कि आप अपने पड़ोसियों से दिवाली स्नेह मिलन करिए, अब होली दिवाली तो मिली है, पड़ोस में कौन रह रहा है ये पता तो चले पता आपको तो चले, हाँ। ये प्रोग्राम करना पड़ा जबकि सबसे प्रगतिवाद का सूचक बंबई था। बड़ी बात यह भी है आइसोलेशन हुआ, उसके बाद आपने कॉम्प्रोमाइज चालू किया, महेश जी ने कहा संस्कृत से कॉम्प्रोमाइज किया, फिर संस्कृति से कॉम्प्रोमाइज किया और सांस्कृतिक मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज किया। तो मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की मूल अवधारणा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वही इसका रास्ता है। और जो जागरण अभियान है आदमी के अंतर मन को जगाने की बात है कि तू किन के साथ ये रिश्ता कर रहा है, सरकारें तो आपकी भी आती रही है लेकिन समाज में कहां सुधार हुआ, इसी अभियान चला सकती है। निर्भया कांड हुआ उसके बाद इतना कड़ा कानून बनाया गया, पहली बात देने की बात, लेकिन सर डर से तो खत्म होने वाला नहीं ये चीज। कठुआ हो गया, आपको हिमाचल की घटना याद होगी, अलवर अभी बिल्कुल अभी जल्द हुई है घटना, आज आज खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी एक घटना ऐसी हो गई है जहां पर एक 2.5 साल के बच्चे के साथ रेप किया गया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कानून बनाने के बावजूद हम कहां जा रहे हैं। गोयल साहब आपसे मेरा सवाल, क्या वाकई में आधुनिकता समाज को खोखला कर रहा, क्या रिश्तों को खत्म कर रहा, लालच को सर्वोपरि कर रहा, सब कुछ सिर्फ आधुनिकता की वजह से हो रहा, इमोशन खत्म हो रहे हैं? नहीं संजय, यदि सजा से
यदि सजा से अपराध कम हो जाते हैं तो देश में चोरियां खत्म हो जाती, देश में मर्डर का खत्म हो जाता है, देश में ये सारी चीजें खत्म हो जाती यदि सजा से सब चीजें होती तो। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं हम, यदि राष्ट्र हम एक तरफ कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, हम एक तरफ राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, इसको सोचना पड़ेगा कि हम कहां लेके जा रहे हैं समाज को और कहां लेकर के जा रहे हैं। आप ये जितनी भी घटना है ना, इन सारी घटनाओं की पृष्ठभूमि को उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पर्टिकुलर ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक रूप से दबे हुए परिवार हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है। वो शैक्षणिक रूप से भी कमजोर हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम कह रहे हैं बहुत सारी विकास की बात करने लग गए, 70 साल हो गए, आज 70 साल के बाद भी यदि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को पुनः मूल्यांकित करें, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है क्या हमने उसमें जो शर्मा जी ने गोयल साहब एजुकेशन सिस्टम को डालने वकील से क्या उम्मीद करते हैं, एक डॉक्टर से, एक वकील से, एक इंजीनियर से, एक साइंटिस्ट से क्या उम्मीद करते हैं? मैं अगर मैं आप दिल्ली समेत अन्य राज्यों के आंकड़ों को देख ले सर, संजय मैं वही कह रहा हूँ, तो सर ऐसे ज्यादा अपराधों में यही लिप्त होते हैं जो अपने परिवार को मार देते हैं, बेटियों के साथ रेप करते हैं, बाप को बेदखल कर देते हैं, वृद्धाश्रम जो तमाम ये प्रचलन शुरू कहां से हुआ, बाप को भेज देते हैं वृद्धाश्रम, माँ को भेज देते हैं, परिवार के साथ अकेले रहते हैं, उसमें भी नहीं बनती है। भाई मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 1990 के बाद, 1990 के बाद जो विकास का जो मॉडल आया, जिस मॉडल को हमने अपनाया, उस मॉडल ने हमारे परिवार को, जॉइंट फैमिली सिस्टम को जिस तरीके से कॉलेप्स किया है। ठीक, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 1990 के बाद के जो अपराध के जो आंकड़े हैं, और 19 समय कम है, इसीलिए समय कम है, इसीलिए मैं रोकना चाहूंगा इस वक्त। गौतम अनिता जी, मैं आपसे छोटा सवाल 20 सेकंड में मैं जवाब चाहूंगा, वाकई में इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? पढ़ा लिखा के लोगों को वाकई में जागरूक किया जाए, समाज को कैसे बराबर समझाया जा सके कि ये आपके परिवार के हिस्सा हैं, आधुनिकता के दौर में समाज के रिश्तों को, अपने से जुड़ाव को, लालच को नीचे रखकर समाज को एक बराबर लाने के लिए क्या किया जा सकता है? ऐसे जो खराब विकृत मानसिकता के लोग हैं, इनका समाधान क्या है? देखिए, जैसे कि हम लोग ये लोग सोचते हैं कि ये उच्च वर्ग में होगा या निम्न वर्ग में होगा, ये हमारे साथ नहीं होगा, हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता, हम आंख बंद कर लेते हैं उस बीमारी से, उस बुराई से। जब हम आंख बंद कर लेते हैं उसको ठीक करने की बात क्या करेंगे? सबसे पहले शुरुआत हमको हमारे परिवार से करनी चाहिए कि हमको हमारे परिवार में क्या शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा हमारे बेटे को, हमारी बेटी को, दोनों को बराबर देनी चाहिए, कि हमारे बेटे को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से लड़कियों का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर लड़का अपनी बहन को मारता है तो हम उसको बोलते हैं कि बहन को मत मारा करो, तुम्हें अपनी माँ बहन का सम्मान करना चाहिए। वहीं अगर हम सिर्फ इतना बोले कि तुम्हें किसी भी लड़की को नहीं मारना चाहिए, हर लड़की का सम्मान करना चाहिए, ये एक छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम संस्कार के रूप में अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों में, परिवार में पापा पिता की भूमिका बहुत ज्यादा अहम होती है। जब बच्चे ये देखते हैं कि एक पिता अपनी वाइफ के, अनिता जी सवाल बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन समझाएगा कौन? वही चीज बच्चे, पीढ़ी तो खत्म हो गई जो वाकई में रिश्तों को समझती थी, कुटुंब हुआ करता था, वसुधैव कुटुंबों का कम करते हैं ना हम, हमारी संस्कृति यही रही है, लेकिन वो तो पीढ़ी खत्म हो गई। आज की पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं, आज की पीढ़ी को अपने रिश्ते से फुर्सत नहीं, अपने से फुर्सत नहीं, समझाएगा कौन? ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि इसका समाधान क्या होगा। दिन भर जो हमने सवाल पूछा एक बार वो आपको बताते हैं, आधुनिकता के दौर में क्या वाकई में खत्म हो रहे रिश्ते? तो सवाल के जवाब में देखिए, ये आपके सामने है, 89% लोगों ने कहा है बिल्कुल सही, और ये वही लोग हैं, उन्हीं लोगों ने जवाब दिया है जो वाकई में आज मोबाइल के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में, टीवी के चक्कर में, भागम भाग के चक्कर में अपने लोगों के रिश्तों को खत्म कर रहे हैं, और उन्हीं के बीच से ये सवाल खड़ा होता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सवाल ये कि आधुनिकता के पीछे मत भागिए, आधुनिकता अच्छी चीज है लेकिन रिश्तों की मान मर्यादा को समझिए, अपने कौन है यही समाज बनता है, समाज ही कहा जाता है कि प्रथम पाठशाला होती है जहां से सीखकर समाज बढ़कर लोग आगे जाते हैं, कुछ बनते हैं, लेकिन इसकी गरिमा खत्म हुई, इसका मूल्य खत्म हुआ, तो देश, संस्कृति, सभ्यता, हम आप सब मिट जाएंगे, सोचना बेहद जरूरी। फिलहाल इस चर्चा में
एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त बारा से आ रही है, जहां पर एक शख्स को पेड़ से बांधने का यह पूरा मामला है।